इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। हमारी बातचीत चल रही होगी किसी जगह पे, हमें नहीं पता, कौन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात हुई है, वो ये हुई है कि देखें, ये जो 25 और 26 मार्च है ना, ये कोई हमारी पाकिस्तान की तारीख में कोई अच्छे दिन नहीं है। ये तारीख दिन है हमारे इसलिए कि 50 साल पहले बांग्लादेश में तो मनाया जा रहा है ना उनका यौम आज़ादी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक तल्ख दिन है। ये ख़राब यादें हैं हमारी, और उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस हुए 70 में, इलेक्शंस के अंदर अवामी लीग ज़्यादा सीटें ले गई, बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर माना ही नहीं गया। उसके बाद ये हुआ कि 25 तारीख की रात को जो मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज़ादी का ऐलान वो कर चुके थे। उसके बाद खाना जंगी शुरू की, फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ, और वो फिर 1971 के अंदर जाके वो 16 दिसंबर को ख़त्म हुआ जब बांग्लादेश बना। अब जनाब 50 साल हो गए इस बात को, 71 और 2021, 50 साल, 50 साल की तकारीब जो हो रही है वहां पे जनाब मोदी तशरीफ ले गए। भारत पहला मुल्क था जिसने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था जी। और मुजीबुर रहमान का जब कत्ल हो गया 1975 में, तो 1976 में जाके चीन ने बांग्लादेश को तस्लीम किया। चीन ने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था। आज बांग्लादेश चीन की तरफ है, भारत की तरफ नहीं है। जितने मर्जी नारे लग जाएं, जितने मर्जी दौरे हो जाएं, अभी हसीना वाजिद उनको फूलों के हार पहना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और उसकी वजह यह है कि भारत के का पहला वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, जिसके वहां जाने के बाद वहां पे हंगामे शुरू हुए, पहले भी हुए और आज भी हुए। और मैं जब ये बात कह रहा हूं कि हंगामे शुरू, वहां पे हंगामे हो रहे हैं, तो मैं ये बात इस तरह से कर रहा हूं कि मैं यहां पे न्यूज 18 को कोट कर देता हूं, इंडिया के न्यूज 18 कह रहा है, 4 killed इन बांग्लादेश आफ्टर पुलिस फायर्स एट ग्रुप प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट। ठीक है, ये हंगामे जो हैं ये मोदी के खिलाफ वहां पे हो रहे हैं, और न्यूज 18 को हमने, ये न्यूज 18 हो गया। फिर हम जरा बाहर के अखबार उठा लेते हैं, तो हम अरब न्यूज को कोट कर सकते हैं कि अरब न्यूज ये कह रहा है कि 4 people killed इन बांग्लादेश ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट विजिट ऑफ इंडियाज मोदी, जी इंडियाज मोदी, और बाकी अखबार भी भरे हुए हैं। और मेरे ख्याल से एसोसिएटेड प्रेस ने भी ये खबर दी है थोड़ी देर पहले कि वहां पे एपी ने कि वहां पे हंगामे हो रहे हैं और उसमें वहां पे मारे गए हैं 4 लोग अपनी जानों से चले गए। अच्छा ठीक है, डॉक्टर जी मैं इसमें सिर्फ एक बात आपको बताऊं कि बांग्लादेश और भारत इनकी जो सरहद है दुनिया की पांचवी बड़ी लैंड, पांचवा बड़ा लैंड बॉर्डर है। ठीक है, और आप सिर्फ ये देखें कि पिछले साल मोदी ने जाना था तो वहां पर फिर हंगामे हुए। और पिछले साल के इंडियन एक्सप्रेस में आपको दिखा रहा हूं, हेड ऑफ मोदी ढाका स्ट्रिप, फिर प्रोटेस्ट शुरू हुई वहां पर इस शहरियत बिल के खिलाफ। क्योंकि भारत में जो शहरियत बिल आया वो क्या है उसको जरा समझें, वो ये है कि जो अकलियतें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पे अकलियतों पे मजालिम हो रहे हैं, वो भारत आएंगे तो भारत में उनको शहरियत मिल जाएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब बांग्लादेश में भी मजालिम हो रहे हैं अकलियतों पे, तो बांग्लादेश के लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि ये तो हमारा दोस्त मुल्क था और उसने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, यही सूरत हाल अफगानिस्तान में डेवलप हुई। अब जनाब इशू यह है कि एक तो यह हो गया ना जो सियासी इशू है, दूसरा जो इशू है वो यह है कि ढाका ट्रिब्यून अगर कुछ अर्से पहले का देखें तो चाइना वांट्स सिस्टर सिटीज इन बांग्लादेश
ठीक है, चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, करता जा रहा है। और अगर आप GCR की एक न्यूज देख लें तो उसमें ये है कि बांग्लादेश सेंड्स चाइना 6.4 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर विश लिस्ट। ये उनकी कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है चाइना की, और बांग्लादेश की उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें 6.4 बिलियन का की यहां पर आप हमें हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर 6.4 बिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आप हमें बना के दें। ये बात भी ध्यान में रहे कि वो बेल्ट एंड रोड के लिए 64 बिलियन डॉलर्स बेल्ट एंड रोड के लिए चाइना इन्वेस्ट कर चुका है। सही हो गया। और ये भी बात ध्यान में रहे कि वो चाइना के इंतहाई करीब हैं, और ये बात मैंने पहले भी कही कि उनकी जो दो रियासतें, हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की दो रियासतें ऐसी हैं, मगरबी बंगाल और आसाम, जिनके बॉर्डर्स बांग्लादेश से मिलते। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा था भारत बांग्लादेश के रिश्ते के बारे में, पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की पाकिस्तान में विजिट के बारे में। आपको बता दें कि पाकिस्तान जब भी भारत अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाता है तो इनकी पिछवाड़े में आग लग जाती है, और वही हाल यहाँ पर भी दिखा। आपको बता दें कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की कि भारत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ पाकिस्तान मीडिया ने जो खबरें फैलाई, जैसे कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे थे, आपको भी पता बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसी कुछ तंजीमें हैं, जमात इस्लाम जैसी कुछ पार्टियाँ हैं जो भारत से नफरत करती हैं, भारत के हिंदू काफिर से नफरत करती हैं। उनका वही रवैया है जो पाकिस्तान के ज़्यादातर लोगों का रवैया है, वही रवैया जो भारत में बहुत सारे लोगों का रवैया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रोटेस्ट होते हैं डेमोक्रेसी में, मोदी के खिलाफ भारत में हर दिन इतने सारे प्रोटेस्ट होते हैं, आपको भी पता है। लेकिन बांग्लादेश मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया से इस तरह से पेश कर रही है जैसे कि मान लो बहुत बड़ा कुछ ये हो गया हो। तो आपको भी पता है दोस्तों, मोदी बांग्लादेश में आए दिन कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, चाइना में मुसलमान जो मारे जा रहे हैं उनके लिए प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान वाले मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट नहीं होंगे। आपको भी पता है ये जमात इस्लामी वाले लोग हैं, ये चीज़ें करते हैं। लेकिन अवामी लीग वालों ने उन लोगों का अभी जमकर सुटारा किया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सुटारा से मतलब है पिटाई की, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा तोड़ा उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मोदी के खिलाफ, आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, इस पाकिस्तानी पत्रकार की आवाज़ का आप दर्द देखिए, पाकिस्तानी पत्रकार के पिछवाड़े का मतलब हाल देखिए, कैसा जल रहा है, कैसा रो रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया मतलब प्रोपेगेंडा फैलाती है कि भारत के खिलाफ नेपाल है, भारत के खिलाफ बांग्लादेश, भारत के खिलाफ ये, भारत के खिलाफ वो, ये वो जमाने भर की बातें ये करते रहते हैं। अब ये यहाँ पर एक और नई बात ले आया कि चाइना, अब चाइना बांग्लादेश के अपने पर्सनल उनके रिश्ते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो इसमें भारत को जलने की क्या बात है। बांग्लादेश के भारत के साथ भी रिश्ते हैं, चाइना के साथ भी रिश्ते हैं, आपकी तरह तो नहीं। बांग्लादेश ने इतना पैसा अपनी आर्मी पर इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने आर्मी पर पैसा ना इन्वेस्ट करके अपने लोगों पर किया, अपनी इकोनॉमी पर किया, तभी वो इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बांग्लादेश। भारत के बाद आई थिंक तीसरे चौथे नंबर पर बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान का नंबर क्या है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को बांग्लादेश से सीखनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए।